आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। भारत चीन सीमा पर सुविधाओं के विकास के लिए सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, जिसके तहत BRO ने दो प्रस्ताव तैयार किए थे, जिनमें से एक प्रस्ताव को स्वीकृति मिल चुकी है। इस प्रस्ताव के तहत सीमा पर करीब 150 करोड़ की लागत से 16 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाना है। इस सड़क का निर्माण मई से शुरू कर दिया जाएगा। सड़क निर्माण कार्य 3 वर्ष में पूर्ण करने के लक्ष्य रखा गया है। गौर हो कि सड़क निर्माण के प्रथम चरण के तहत कटिंग कार्य किया जाएगा। वहीं BRO ने सीमा पर सड़क निर्माण का दूसरा प्रस्ताव भी भेजा है, जिसके तहत करीब 17 किलोमीटर सड़क निर्माण किया जाना है। BRO के अधिकारियों का कहना है कि इस प्रस्ताव को भी जल्द स्वीकृति मिलने की संभावना है। स्वीकृति मिलते ही उक्त प्रोजेक्ट पर भी कार्य शुरू कर दिया जाएगा। भैरव घाटी से आगे मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया गया है। केदारनाथ धाम पहुंचे CM पुष्कर सिंह धामी पुनर्निर्माण कार्य का करेंगे स्थलीय निरीक्षण। मेजर बीनू ने बताया कि भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत भैरव घाटी से आगे नेलोंग नागा अंगार PDA को जोड़ने वाला मार्ग मेडिके भारत चीन सीमा तक NH घोषित कर दिया गया है, जिससे अब सोनम से आगे भी मोटर मार्ग डबल लाइन हो जाएगी। इसके साथ ही NH होने से भी उक्त पूरे क्षेत्र में लगातार मरम्मत व सुधारीकरण कार्य होते रहेंगे। भैरव घाटी से मेडिके तक करीब 61 किलोमीटर मोटर मार्ग NH घोषित किया गया है। न्यूज 9 भारत के लिए वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर अब चाहूंगे इजाजत। नमस्कार।